मैंने आपको पिछले दिनों एक न्यूज़ दी थी कि शायद आयज़ा खान ने जो फिरोज़ खान वाला ड्रामा आ रहा है उससे बैक ऑफ कर लिया है। शायद आयज़ा खान हमें इसमें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि फ़ैन पेज के मुताबिक उनकी ग्रुप चैट हुई है और वो कह रहे थे कि आयज़ा खान ने कहा है कि मैं ये ड्रामा नहीं कर रही हूँ, जितने भी अनाउंसमेंट हुई है ये सारी फेक है। तो क्या वाकई आयज़ा कर रही हैं ये ड्रामा या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना टाइम को जाए के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो जियो टीवी पर एक मेगा ड्रामा आ रहा था जिसका नाम है हमराज। इसमें हमें फिरोज खान और आयशा खान का कपल देखने को मिलेगा, साथ में हमें मल्टी टैलेंटेड एक्टर जाहिद अहमद देखने को मिलने वाले थे। इसे मिसबा नौशीन लिख रही थी और इसे फारूक रीन ने डायरेक्ट करना था। इसकी शूटिंग 16 मई से स्टार्ट होनी थी और इस ड्रामे को सेवन स्काई एंटरटेनमेंट वाले प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर अचानक से मेरे पास एक फ़ैन का मैसेज आता है जो कि फ़ैन पेज चला रही हैं कि हमारी आयशा से बात हुई है और आयशा ने कहा है कि मैं इस ड्रामे में नहीं हूँ, ना मैंने अनाउंसमेंट की है और मतलब मैंने बैक ऑफ कर लिया अगर मैं ड्रामे में थी भी तो। बाद में मुझे खबर मिलती है कि वो फ़ैन पेज वाली झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा ने अभी तक सेट को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। 16 मई को जो शूटिंग स्टार्ट होनी थी वो थोड़ी डिले का शिकार है और जो ड्रामा है वो तकरीबन मई के एंड में इसकी प्रॉपर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसमें फिरोज तो कन्फर्म है, जाहिद कन्फर्म है और आयशा खान के अनाउंसमेंट जो है वो खुद मिसबा नौशीन ने किया, तो हम किस तरह डिक्लाइन कर सकते हैं। तो आयशा खान मुझे लगता है कि इसमें कन्फर्म है। बाकी मजीद कुछ दिनों में शूटिंग स्टार्ट होती है, मेरे पास पीटीएस आता है तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप लोग जो आयशा और फिरोज को इकट्ठे देखना चाहते थे आप उदास मत हो, मुझे लगता है कि 95% कन्फर्म है कि आयशा इस प्रोजेक्ट में होने वाली है। बाकी आप हमराज का कितना इंतजार कर रहे हैं जो कि रिवेंज साइकोलॉजिकल थ्रिल और ड्रामे से भरा होने वाला है। आयशा का ग्रे शेड होगा, फिरोज खान का भी ग्रे शेड करेक्टर होगा। आपका हमराज को लेकर जो भी फीडबैक हो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।